हेलो कैंपिंग लवर्स, तो भाई स्वागत है आपका एक और नई कैंपिंग वीडियो में। और मैं हूँ आज बिलासपुर में, और ये देखो यार मेरी लोकेशन, कुछ बहुत सेफ जगह यार ये यहाँ पे, क्योंकि ग्रिल है साइड में, लोहे की ग्रिल बनी हुई, बीच में हम टेंट लगाएंगे यहाँ पे अपना, और यहाँ करेंगे आज कैंपिंग। और थोड़ी लोकेशन दिखाऊँ मैं तुम्हें, तो ये देखो भाई ये है यहाँ की लोकेशन कुछ, और ये है जहाँ हम अंदर इसके ग्रिल के अंदर यहाँ टेंट लगाएंगे अपना। तो यहाँ पे होगी आज आपकी कैंपिंग। वो देखो हमारा इबू, हेलो इबू, क्या कर ले आप, क्या कर ले आप, टेंट लगा रहे हो, वेरी गुड, लगाओ लगाओ। और वो देखो यार सामने का व्यू, नीचे से दिखाऊं मैं तुम्हें, वाह यार ये देखो भाई ये है नीचे का व्यू यहाँ से, वाह, ये है गोविंद सागर लेक। और वहाँ दोनों जगह हम कैंपिंग कर चुके हैं। ये देखो भाई क्रिकेट का ग्राउंड दिख रहा है तुम्हें, सेंटर में है बिल्कुल, जहाँ पे रेड रेड कलर का आपको रनिंग वे दिख रहा, इसके साथ में ही रेलवे का काम चला हुआ। और भाई ये बिलासपुर का क्रिकेट ग्राउंड, तो ये भाई हमारी आज की लोकेशन, बहुत सुंदर है भाई ये अल्टीमेट नज़ारा। ये देखो थोड़ी सी अभी धूप है ना, थोड़ी सी जब छाया हो जाएगी तो मस्त लगेगा यहाँ पे, बहुत सुंदर। इस जगह की एक और ख़ास बात मैं तुम्हें बताऊँ यार, कि बिलासपुर में पैराग्लाइडिंग भी होती है, ये शायद आपने देखा होगा या सुना होगा किसी से, पैराग्लाइडिंग होती है यहाँ पे नीचे, लूनू ग्राउंड है जहाँ पे मेला लगता है वहाँ के लिए, तो वो पैराग्लाइडिंग भी यहीं से होती है। वो मैं आपको स्पॉट दिखाता है, यहाँ पे यही स्पॉट है, वो यहाँ से वो पैराग्लाइडिंग जो करते हैं लोग यहीं से फ्लाई करते हैं, और फिर नीचे गोविंद सागर से लेक के ऊपर घूमते हुए फिर नीचे ग्राउंड में जाते। तो दिखाऊं मैं तुम्हें वो लोकेशन, तो ये लोकेशन है भाई वो, ये देखो ये देख रहे हैं जो लकड़ी के साथ लगाए हुए ना रिबन से, तो ये होते हैं हवा के लिए यार, कि जब ये पूरा मतलब जैसे लहराएगा ना पूरा, तो इनको पता लग जाएगा कि हाँ हवा कितनी तेज है क्या है, तो उस आईडी के लिए बनाया हुआ इन्होंने। और वो देखो यहाँ से अपनी कैंप साइट, वहाँ पे होगी आज कैंपिंग। और भाई नीचे का नज़ारा देख लो कैसा है अल्टीमेट, तो ये भाई यहाँ से ऊपर से जो मिट्टी दिख रही तुम्हें ना, यहाँ से फ्लाई करेंगे पैराग्लाइडिंग जो करेगा यहाँ से, और यहाँ से नीचे वो फ्लाई करेंगे यहाँ से, और नीचे चले जाएंगे बिलासपुर। चलो अभी मैं फ़िलहाल अपना टेंट लगाऊं यार, और आज बनाएंगे कुछ स्पेशल, एंजॉय करेंगे थोड़ी देर, रात को नहीं रुकेंगे यहाँ पे, थोड़ी देर एंजॉय करेंगे और फिर देखते हैं शाम का क्या बनेगा। यहाँ बैठेगा ये यहाँ बैठेगा ये वो सुंदर मैच। वे वो कहाँ चले गए अंदर? पापा देखो जी की गाड़ी नहीं लाए गाड़ी देखो, वाव तो यहाँ करेंगे भाई हम कैंपिंग आज, और आज कुछ स्पेशल बनाएंगे हम। तो क्या लग रहा है
अरे इससे कितनी नाइस चेंज हो पर इसमें ठीक कुंडी में अंदर है चॉपर लेना प्लेट हुई है कुंडे में तीन डॉटिंग करें पहले लो जी ये हो गया अपना मसाला तैयार, लहसुन प्याज और ये है गोभी, थोड़ी सी ये रही है पूरी मशीन टूट गई अपनी, तब इसके बाद नहीं होगा यार, ये मशीन ख़राब होगी। चलो चाकू से करेंगे इसका काम, फिर देखते। ये देखो हमारे शैतान जी, इबू क्या देख रहे हैं आप, कार्टून? आपको पता है बच्चे फ़ोन में नहीं देखते हैं, टीवी में देखते हैं। बंद कर दो अभी, बंद आ जाओ इस बार, छुड़ाओ बच्चे अब छोड़ो, इनके नहीं छूटते यार फ़ोन, इबू को फ़ोन फान नहीं देते यार, क्योंकि फोन से ना बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं आजकल। टीवी 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 वगैरह में दिखाते हैं इसको कार्टून, फोन में तो नहीं यार। अल्टीमेट व्यू है यार यहाँ से, बहुत सुंदर लग रहा है नीचे गोविंद सागर लेक। ये बन रहा है भाई मोमोज के लिए आटा, यहाँ खाएंगे आज मोमोज, मस्त वाले मोमोज होममेड। और यार हाँ, मैंने सोचा नहीं था कि मैं आपको दिखा पाऊँगा ये चीज़, पर पता नहीं मेरी किस्मत भी अच्छी थी और शायद आपकी किस्मत भी अच्छी है कि यहाँ पे पैराग्लाइडर्स आ चुके हैं। और ये देखो यहाँ से फ्लाइट लेंगे अभी ये थोड़ी देर में, ये देखो 1 2 3 4 5 6 बंदे हैं यार, ये फ्लाइट लेंगे यहाँ से नीचे के लिए। भाई तैयारी कर रही भाई ये यहाँ से उड़ने के लिए, यहाँ से फ्लाइट लेंगे ये। ये देखो ये इनके पैराशूट, मिट्टी बचा चला, हाँ चल भाई ठीक है ले ले, कोई इशू नहीं दूसरा भाई भी तैयार हो रहा, चल 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 भाई, वाह यार इतना मस्त लग रहा ना। दूसरा भाई भी रेडी है इधर जाने के लिए, वाह यार बिलासपुर में फर्स्ट टाइम देख रहा मैं ये लाइव अपने सामने कि यहाँ से पैराग्लाइडिंग कैसे होती, वो अच्छा लगा। दूसरा भाई ऊपर वाला की कौन है इसकी व्यापार की जरूरत बढ़ जाओगे पूरा फाइल में मोबाइल जा रहा था मोबाइल तो नहीं वो यार, वो तो ना भाई दिख भी नहीं रहा मेरे कैमरे में, तो चला गया भाई। भाई
दो कोई बात है दौड़ने की रनिंग नहीं है। वो चला गया ऊपर। वाओ तो यार मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ यहाँ पे बिलासपुर में इस तरह की पैराग्लाइडिंग, तो रुकेंगे यहाँ पर, तो आप भी देख लो यार, मैं कभी नहीं देखी थी इस तरह से। हो जाएगा सर। यार आज की कैंपिंग तो ना स्पेशल कैंपिंग होगी, मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा था बिलासपुर में। मतलब ये तो देखा था कि पैराग्लाइडिंग होती है, नीचे से देखते थे हम, पर कभी ये नहीं देखता कि यहाँ से कैसे वो फ्लाई करते, कौन सी वो साइट है। तो यार आज वो पता नहीं कैसे देखने को मिल गई, कौन सा लगता हमारा किस टाइम हम घर से निकले थे, जो आज हमें ये देखने को मिल गया। तो अब ये बहुत सारे हैं यार, इनमें से एक लड़की भी है वो ही फ्लाई करेगी। अलग अलग जगह से आए हुए हैं ये, और ये इनकी एक एक्सरसाइज, ये बोल रहे हैं कि एक्सरसाइज चल रही है इनकी, ये तैयारी कर रहे हैं अपनी जो वर्ल्ड कप मैच है अभी नवंबर में बीड बिलिंग में, तो वहाँ के लिए ये तैयारी कर रहे हैं, शायद उसकी एक्सरसाइज यहाँ पर चल रही, तो हम भी देखेंगे। ओ यार कितना मजा आता होगा ना ऊपर, फिर मजे के साथ यार डर भी लगता होना वहां से इतनी हाइट पे। वाह और ये बन रहे भाई हमारे मोमोज, ये देखो ये बनेंगे रेड कलर के मोमोज। वाओ ये बुके पे अंजी क्या हो गया था, आगे हो रहा था बुवारा रह गला। अच्छा यार जब तक बनेंगे मोमोज मैं बनाऊंगा सॉस, मीठे सॉस बनाऊंगा मैं, ट्राई करूंगा बनाने की कि बनेगी सॉस अपने से कि नहीं बनेगी। चलो जी यार मैं थोड़ा सा पानी डाला है इसमें क्योंकि ये बनाने नहीं आती हमें, तो पहले ट्राई करेंगे, अगर इस बार बन गई तो फिर ज़्यादा बनाएंगे। अच्छा ये इसके लिए चीनी डालने का, चीनी की चीनी चीनी तो होगी यार, पर अब इसमें डालूंगा मैं थोड़ा सा कलर, ये भाई कलर बिल्कुल थोड़ा सा, अब ये हो गया, ये देखो कलर हो गया ना। अच्छा ये कॉर्नफ्लावर के लिए लगाओ।
क्या बच्चे? भाई पानी तो उबल गया पूरा, अब जाएगा इसमें कॉर्नफ्लावर। लगाते लगाते पापा रुको अच्छा दो मिनट। ये बन रही भाई मीठी सॉस, अब लास्ट में लगेगा पता ये बनी कि नहीं बनी। इतनी काफ़ी है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा फिर गाढ़ी हो जाएगी, इतनी काफ़ी है। गैस करो बंद। ये देखो भाई बनी कुछ वैसी जैसी मोमोज वालों के पास होती है। चलो ठंडा होने देते थोड़ी देर फिर देखेंगे इसका कमाल है वैसे कि नहीं। सॉस रेडी है अपनी और मोमोज मोमोज भी रेडी हैं, स्टीम करेंगे अब इनको और फिर सनसेट भी थोड़ी देर में शायद हो जाएगा और फिर इंजॉय करेंगे यहाँ पे पूरा बनना। नहीं बस 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 चलो जी ये गैस ऑन। अंजी उठ गया, वाओ बाय बाय सी यू। अब ये गए मोमोज, ये हो गया सेट काम भाई। प्यास लग रही है अंजी। वो चला गया लास्ट पैराग्लाइडर। पापा कभी कभी अच्छा ये बन गए भाई मोमोज, आधे बनाए यार अभी आधे बनेंगे इसके बाद क्योंकि बर्तन छोटा है अपने पास तो दो बारे में बनाना पड़ेंगे। ये अंजी दो मिनट तू का ये देखो भाई ये प्लेट है ये देखो ये देखो कितने सारी मोमोज हैं वाओ। पर अभी कुछ बनेंगे फ्राई और कुछ बनेंगे स्टीम, तो स्टीम वाले तो रेडी हैं, फ्राई वाले बनेंगे अभी। ये फ्राई वाले हाँ एक थोड़े ऊपर बैठ के खाओ यहाँ बैठो अच्छे चम्मच से नहीं खाते मोमोज हैंड से खाते खा लो जैसे खाना थोड़ी सी करेंगे स्टीम और बस फिर तो पानी का चीची बाद में ये हो रहे भाई फ्राई फ्राइड मोमोज। देखो पापा क्या बना रहे तुम वहां बैठो फिर बताता मैं बैठो वहां बैठो मैं तभी बताऊंगा आपको।
है? ये राजा मत ले उसको, मैं नहीं, दो मिनट तो रुक कर दिया चौक पर। चलो भाई मोमोस रेडी हो गए भाई अपने, ये है फ्राइड और वो है स्टीम और ये है हमारी स्पेशल प्लेट ऐसे सॉस। ये है स्टीम वाले रुक बच्चू मेरे को लगाने दे पहले। वाह ये प्लेट रखनी पड़ेगा, ये है भाई स्टीम वाले, प्लेटिंग हो रही साउथ स्टाइल में। मैं इनको लगा रहा है अच्छे, फिर खाएंगे इनको मजेदार तरीके से। यस यस लो, ये है चाट मसाला। सॉस सॉस लाओ, ये मीठे वाली सॉस, ये भाई जो हमने बनाई थी तुम्हें दिखाओ मैं कैसे बनी है। ये देखो पूरी वैसे ही मीठी सॉस। चिल्ली सॉस कहाँ है? ये भाई हम घर से बना के लाए थे, इसकी रेसिपी मैं कभी फिर बता दूंगा क्योंकि इसको बहुत टाइम लगता है बनाने में। पापा कुछ है ये मिर्ची वाली है, ये और कुछ है, ये मिट्टी है और इसको ला मोमोस और क्या है घूमने आए लोग, घूमने आए लोग। चलो जी ये बन गई भाई प्लेटिंग अपनी, अब इसके लिए कमेंट जरूर करना तुम कि कैसी बनी है ये, मस्त लग रही मेरे को तो यार देखने में। चलो भाई करो पार्टी शुरू, मेरा अब्बू कौन चलेगा? कौन चलेगा? वो वाली फ्राइड मिर्ची वाली, लो तो लो आजो खाओ। वहाँ बैठ जाओ, आप वहाँ बैठोगे? यहाँ से तो आप ये ले लो मिठे वाले। मस्त भाई मजा आ गया, मजा आ गया खुद बना के ना यार, जैसे ही बने अच्छे लगते हैं पर मस्त बने हैं। और ये सॉस ना सही बनी है यार, जैसी बननी चाहिए थी। इसमें बस थोड़ी सी कमी है कि ये ज़्यादा मीठी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, पर फिर भी अच्छी लग रही है। फर्स्ट टाइम बनाया हमने ये, पर नेक्स्ट टाइम थोड़ा इम्प्रूवमेंट करेंगे इसमें सॉस में। हाँ? नहीं खाना क्यों? सुने सॉस में मीठी लग रही है, ये वाली ले लो आप सॉस। हाँ ये वाली सॉस ले लो आप, तो यार मजा आ गया यहाँ पे ना, खाना पीना हो गया अपना, थोड़ी देर में शाम हो जाएगी,
यहाँ तो लेट ही शाम होगी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हाइट पे हैं यहाँ पे। इस कैंपिंग साइट की यार एक बात बताओ, मुझे पहले नहीं थी पता, अभी थोड़ी देर पहले पता लगी कि ये फ्री नहीं है यार, यहाँ पे रुकना पेड है। ये जिस किसी ने भी ये सेफ्टी वॉल इस तरीके का कुछ बनाया हुआ यहाँ पे, ये प्राइवेट लैंड है किसी बंदे की। तो जैसे अभी आपने रात को रुकना हो तो उसके लिए आपको चार्जेस करना पड़ेंगे। हम रात को नहीं रुकेंगे यहाँ पे, तो हमसे तो उन्होंने कोई चार्ज नहीं किया, हमने उनको बोला कि हम दो तीन घंटे के लिए आए हैं सिर्फ, उसके बाद चले जाएंगे। तो उसके बाद तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, पर उन्होंने बोला कि ये पेड है, रात को रुकना का तो उसका पे करना पड़ेगा। पे कितना करना पड़ेगा मैंने पूछा नहीं उनसे, क्योंकि हमने रुकना नहीं तो पूछा भी नहीं। बाकी इसीलिए उन्होंने ये बनाया हुआ यहाँ पे। और एक पीछे अगर ये देखते हैं रेड कलर का शेड, वो भी उन्हीं का ही है। हाँ जी वहाँ है पानी, वहाँ जाओ तो वहाँ रखो, मैंने पीना नहीं, वहाँ जाओ। और उस शेड के नीचे भी आप टेंट लगा सकते हैं अपना, अगर आपने कैंपिंग करनी हो यहाँ पे तो। वहाँ छाया है, वो सब कुछ है, बारिश लग जाएगी तो शेड बना हुआ पूरा, वहाँ भी रुक सकते हैं आप, यहाँ भी रुक सकते अपना टेंट उंट लगा के। पर ये है कि पेड है यार ये, तो ये देख लेना आप, कुछ ऐसा नहीं है कि फ्री है। अच्छी जगह यार ये कैंपिंग करने के लिए, फैमिली के साथ बढ़िया जगह है। कोई ऐसा है नहीं, ऐसा भी नहीं है कि ये जंगली है, पूरा घर है यहाँ, मतलब थोड़ा सा आगे जाके घर है, इधर शॉप भी है एक। और ये जो ग्रिल से जो कवर की है जिसने भी की है, तो उन्होंने साइट बनाई है ये पेड़, इसीलिए क्योंकि सेफ्टी है यहाँ पे, तो अच्छी है। अगर आप भी आना चाहे भाई तो देख लेना, आप फैमिली के साथ आ सकते हो आप, बस ये ध्यान रखना कि पेड है, तो है थोड़ा सा। अब जिसने ये इतनी सर्विस दी हुई यहाँ पे, तो इतना तो बनता है यार कि बंदा इसको पेड करे। क्या कर रहे हैं आप, ऐसे मत करो, लोग गाली देंगे। चलो जी टेंट हो गया भाई पैक अपना, अब थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको और फिर देखते हैं, थक गया है। कुछ ना ये देखो, ये देख सनसेट हो रहा, देख सूरज की तरफ, इस टाइम देख सकते हैं, वो देख पूरी आंखें खोल के, वाह कितना चमक रहा है। मामा, मामा जी, हाँ जी, देखो क्या जुमला पापा, हाँ क्या जुमला, सूरज चमक रहा है कितना, देखो सूरज, हाँ बोल, सनसेट हो रहा अभी, क्या हो रहा, क्या हो रहा अभी, टिफिन है बच्चे ने? मैं बताती तो इसके अंदर कुछ भी नहीं खा लिया। रुको 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 छोड़ो, ठीक लग लगेगी फिर। वो यार देखो सामने का व्यू मस्त है ना। तो ये थी यार हमारी आज की कैंपिंग की वीडियो, आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को और लोकेशन पसंद आई होगी आपको। पैराग्लाइडिंग भी आपको दिखा दी, साइट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि भाई पेड़ है, बिलासपुर में है ये, पर ठीक है अच्छी है यार।
बढ़िया लगी मेरे को ये साइट है, कैंपिंग कर सकते हैं आराम से, दिन में करनी हो चाहे रात को भी रुकना हो आपने यहाँ पे तब भी अच्छी है। पानी का नहीं मेरे को दिखा यहाँ पे कुछ, पानी आप ले आना पहले से, ये आप अपने भी यहाँ कहीं होगा मैंने पूछा नहीं किसी को। पर यार ये जो सामने का सनसेट का व्यू है ना अभी मस्त है ना, कुछ चलो यार फिर आएंगे कभी किसी दिन यहाँ पे। ठीक है फिर यार, बाय बाय। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्त, थोड़ा सा मोटिवेट करना कि हम कंटिन्यू कर पाएंगे इसको यार, क्योंकि आपकी हेल्प के बिना इस चैनल को हम ग्रो नहीं कर सकते। तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और जो भी जितने भी आपके वीडियो के वीडियो से रिलेटेड जो भी कमेंट रहेंगे, कुछ भी कमी होगी जो आपको लगता होगा ऐसा होना चाहिए था ऐसा नहीं हुआ, तो प्लीज़ ज़रूर बताना। और मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में एक नई कैंपिंग की लोकेशन पे, तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहिए मस्त रहिए।